अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फेवरेट शो स्पोर्ट्सलॉग। मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रहमान। पाकिस्तान में ख्वातीन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है, अब चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड हो। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही सुपर एथलीट से कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं सना महमूद, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हैं। आइए चलते हैं हमारे को होस्ट जैन मुस्तफ़ा की जानिब, जो कि इस वक्त मौजूद हैं सना महमूद के साथ। बहुत शुक्रिया दानियल आपका। जैसे कि आपने बताया कि हमारे साथ आज मौजूद सना महमूद, जो फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉल वुमेंस टीम की कैप्टन और करंट पाकिस्तान वुमेन टीम बास्केटबॉल की कैप्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सबसे पहले ये बताइए कि बास्केटबॉल ज़्यादा पसंद है या फुटबॉल? ये बचपन से मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, दोनों ही बहुत कह लें मेरे दिल के करीब है, लेकिन ये है कि बास्केटबॉल एक वो स्पोर्ट है जो मैंने पहले शुरू की खेलनी और मुझे नेचुरली भी ज़्यादा आती है। एंड आई फील लाइक जब भी मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ, कोई अच्छी चीज़ हो मेरे दिन में या कुछ बुरी चीज़, तो बास्केटबॉल वॉज ऑलवेज समथिंग जिस तक मैं गई और मैंने उसको यूज़ किया, तो इट्स क्लोजर टू माई हार्ट। आई थिंक पाकिस्तान में लड़कियां जो हैं ज़्यादातर बचपन में जो खेलती हैं गुड़ियाओं से खेलती हैं, किचन सेट से खेलती हैं, क्या आपने भी बचपन अपना इन्हीं चीज़ों में गुजारा या आप बचपन से ही आपको स्पोर्ट्स का शौक था? जी मैंने खेलना काफ़ी बचपन से ही शुरू किया था। जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट जब बना तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या चीज़ है, कोई नई गेम है। एक बॉल मैंने खुद ख़रीदा और वहीं से बस खुद ही अपने आप को सिखाते गए और साथ साथ उस्ताद मिलते गए जिन्होंने गेम सिखाई भी। और अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं मतलब नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना स्पोर्ट्स का सफ़र जो स्टार्ट किया था वो फुटबॉल से किया था, लेकिन आप बास्केटबॉल की तरफ भी आ गई, क्या कैसे रहा ये सफ़र, किस तरह आप फुटबॉल से बास्केटबॉल की तरफ आई? फुटबॉल और बास्केटबॉल इस तरह है कि बहुत अगर आप स्पोर्ट्स को समझें, स्पोर्ट्स के डायनामिक्स को पाकिस्तान में समझें, वो भी स्पेशली ख़वातीन के लिए, तो बहुत आसान है कि एक जो लड़की है वो दो तीन स्पोर्ट्स कर रही है। आपने देखा होगा बाकी स्पोर्ट्स में भी जो लड़की वॉलीबॉल खेल रही है वो शायद नेटबॉल भी खेल रही है, वो शायद बास्केटबॉल भी खेल रही है, और इसकी वजह ये है कि एक स्पोर्ट जो है उसको वो साल में वो उस कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलती या उस पर उतना एम्फोसिस नहीं होता। सना मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं एज एन एथलीट, फीमेल एथलीट स्पेशली? ये तो मेरा ख्याल है आप एज मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी आपको भी ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि फ़ीमेल्स को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि आपके लिए क्या आसानियाँ हैं। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी मैं कहूँगी, अभी एथलीट की बात नहीं करते, तो खातून की बात करते हैं कि उसको क्या कोताहियाँ क्या इशूज़ फेस करने पड़ते हैं जब वो मार्केट तक भी जाती है, कि उसका लिबास ठीक हो, कि उसके पास ट्रांसपोर्ट ठीक हो, कि शायद वो अकेली ना जाए, किस वक्त पर जाए, कौन सी मार्केट सही है, कौन सा इलाका सही है जिधर बाज़ार में अगर उसने उतरना है। ये सिर्फ मैं आपको एक आम औरत का बता रही हूँ जो उसने सोचनी होती है चीज़ें। अगर आप एथलीट को ले लें तो एक तो हमारा ड्रेस भी डिफरेंट होता है, फिर पब्लिक स्पेसिस ही कहाँ हैं हमारे पास, ये अब जिस पार्क में हम बैठे हुए हैं तो पब्लिक पार्क, इस पब्लिक पार्क में आपने किस ड्रेस के साथ आना है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, इलाका कैसा है और इर्द गिर्द कौन से लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे जब आप भाग रहे हैं खेल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें एक बहुत बेसिक माइनर लेवल पे हमें लगती हैं कि ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से लड़के नेचुरली स्पोर्ट्स में आ जाते हैं और लड़कियां स्पोर्ट्स से पीछे हो जाती हैं, क्योंकि लड़के बचपन में सड़कों पे क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, कोई लड़की नहीं कह सकती कि मैं सड़क पे क्रिकेट खेलते हुए बड़ी हुई, वो होगी तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी, वो यूनिक होगी, वो आम लड़की की कहानी नहीं है पाकिस्तान में। एंड मेरा ख्याल है इसी वजह से हमारा टैलेंट कम रह जाता है या पीछे रह जाता है। ऊपर के लेवल पर भी हैं, मुझे लगता है जब बजट एलोकेशंस होती हैं तो अगर फेडरेशंस सिर्फ एक मेजर फेडरेशन है तो वो फिर दोनों टीम्स की इंटरेस्ट को लेके चल रही है, एंड मोस्टली द मेंस टीम इज़ गिवन प्रेफरेंस। अगर तो आप उसका सेपरेट विंग बना दें, पीसीबी ने सेपरेट विंग बनाया है, फुटबॉल फेडरेशन ने बनाया था, जिसमें एक खातून हेड हो उसकी और वो फीमेल टीम के ही इशूज़ को और उनके इंटरेस्ट को देख रही हो, तो फिर जाहिर बात है फीमेल्स की टीम भी आगे बढ़ेगी, टाइमिंग्स और ट्रेनिंग्स और बजट सारी चीज़ों की प्रेफरेंस उनको दी जाएगी।
सो दीज आर जस्ट अ फ्यू इशूज़, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेगेटिव से बात नहीं करनी चाहिए. जो हमारे पास है उसको हम किस तरह बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए. पाकिस्तान फुटबॉल का स्ट्रक्चर किस तरह है स्पेशली फीमेल्स के लिए? हर ही स्पोर्ट को मैं कहूँगी, किसी एक को जनरलाइज नहीं करूँगी, लेकिन आफ्टर क्रिकेट आपने देखा होगा कि फुटबॉल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो आजकल फुटबॉल का सिनेरियो तो बहुत बेहतर लगता है. लेकिन जनरली ये कहेंगे कि मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटी उम्र से कुछ एस्पायर कर रहे हैं कि मैं फ़ुटबॉलर बनूं, तो कि वो आपका एक सिर्फ वो करियर बन सकता है, क्योंकि वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देता फाइनेंशियली कि आपके शायद पेरेंट्स आपको इजाज़त भी दे दें, या आप ख़ुद भी अगर आप करियर करना चाहते हैं या कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस स्पोर्ट से नहीं मिलेगा. जिस तरह बाहर के मुल्क में होता है कि अगर वो फुटबॉलर है तो प्रोफेशनल फुटबॉलर है और उनकी सैलरी लगी हुई है, उस तरह की इश्यूज़ हैं यहाँ. आप उसको साइड बाई साइड लेके चल सकते हैं, जिस तरह मैंने किया. मैंने अपनी एजुकेशन इसलिए नहीं छोड़ी, लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है. जी बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा कि फ़ुटबॉल को लोग इतना जानते हैं, लेकिन बास्केटबॉल को अभी भी लोग इतना नहीं जानते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बास्केटबॉल का भी यही है, जिस तरह मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स हमारे मुल्क को ले डूबी है, सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी. हर चीज़ की कोई ना कोई एक राइवलरी बनी हुई है, फेडरेशंस की आपस में राइवलरी है, एसोसिएशंस की है. अगर एक कोई अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा उसको अच्छा काम करने नहीं दे रहा, और इसी वजह से प्लेयर्स मार खा रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे जो ऊपर लोग बैठे हैं जिन्होंने नहीं खेलना, वो अपनी राइवलरीज में अपनी ईगो को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन प्लेयर का काम जो है वहाँ ख़राब हो जाता है. कोई बंदा है वो अपनी पीक स्टेज पे है इस वक्त, और अगर फेडरेशन ही की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, तो वो अपनी पीक प्लेयर की जो टाइम है उसको वो किधर यूज़ करेगा? कितना टैलेंट है लड़कियों में पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं? आपको लगता है कि टैलेंट है पाकिस्तान में? अगर टैलेंट है तो वो ऊपर क्यों नहीं आता? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, मैं अपने आप को इससे कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से जिस तरह आई कि घर वालों ने कभी रोक टोक नहीं की. जिस स्कूल में मैं पढ़ी तो वहाँ फैसिलिटी थी. मैं एक कैपिटल सिटी में रहती हूँ पाकिस्तान के. इस्लामाबाद को ऑलरेडी लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग है थोड़ा सा, ठीक है, एक एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल, एक सिटी है, सिटी लाइफ है. लेकिन टैलेंट तो आपका, आप कितनी आवाम है पाकिस्तान में, और वो सारे लोग मेरे बैकग्राउंड के नहीं हैं, बल्कि मेजॉरिटी मेरे बैकग्राउंड की नहीं है. और मैं कहती हूँ कि उस ग्रास रूट लेवल टैलेंट को हमने ऊपर लाना है, और उसका बहुत जिसमें रोल है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है. हम नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल लेवल का ये एक इनिशिएटिव नहीं हो सकता. जो हम कर रहे हैं ऑन आर ओन, जैसा मैं अगर हूँ एक प्लेयर हूँ, मैं अपनी सिटी के अंदर जितनी लड़कियों को खिला सकती हूँ उनको मैं ज़रूर लेके आती हूँ. जो मेरे इख्तियार में है चीज़ें वो मैं कर सकती हूँ. मेरी तरह जो और लड़कियाँ हैं, प्लेयर्स हैं, कुछ लाहौर में है, कुछ दूसरी सिटीज़ में, पंजाब में, उन्होंने भी किया है ऑन देयर ओन. यहाँ इस कोर्ट में जिधर हम बैठे हैं कराची में, मैंने सुना यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो आती हैं ख़ुद खेलने. वंस अगैन वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो खुद इतना मोटिवेट होकर आता खेल के लिए वक्त निकाल सकता है. लेकिन जो एक्चुअल आपने टैलेंट निकालना होता है, आपकी फेडरेशन को एक मैसिव टैलेंट हंट करना चाहिए हर सूबे में जाके, हर सिटी में जाके, जिधर से वो बच्चियाँ निकालें. और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्कूलों में देखें, देखिए स्कूल्स में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ हमारे प्रोफेशनल कोचेज़ नहीं हैं, वहाँ एक पीई टीचर लगाया हुआ है. अब आपने भी, आप भी उन्हीं स्कूलों में पढ़े, हम भी उन्हीं स्कूलों में पढ़े, हमें पता है वो पीई टीचर का काम क्या होता है. उस पीई टीचर का काम है कि बच्चों को लाइन में खड़ा करना, मार्च पास करवा देना, थोड़ी सी उन्होंने डिसिप्लिन देखना होता है, लेकिन एज सच गेम वो कभी भी नहीं करवाते थे, या वो थोड़ी बहुत जो गेम्स हैं उनको सुपरवाइज कर लेते थे. देर वॉज नो स्पेशलाइज फुटबॉल कोच, कोई स्पेशलाइज बास्केटबॉल कोच नहीं थे कि अगर आपने कोई गेम करनी हो तो उसकी स्पेशलाइजेशन आपको करवाई जा रही हो उस वक्त. लेकिन स्कूल लेवल इज़ जब हमने उन बच्चों को पकड़ना है, जब हमने उनका टैलेंट को देखना है और उसको पॉलिश करना है, तो स्कूलों में कोचेस, स्कूलों में शाम के वक्त ट्रेनिंग सेशंस, एकेडमीज, इन चीज़ों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, और टैलेंट खुद ही ब खुद ही आगे आएगा. आपने बताया कि आपके स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट बना था तो आपको शौक हुआ था. सिर्फ आप इकलौती लड़की थी या और भी लड़कियां थी आपके साथ उस वक्त बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार? मैं अकेली थी और फिर कुछ लड़के खेलते थे, फिर हम लड़कों के साथ खेलना शुरू हो गए. और मैंने सारा बचपना बास्केटबॉल लड़कों के साथ ही खेलते हुए बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कह लें गेम पर कंट्रोल ज़्यादा है, कि मैंने हमेशा अपने से बेहतर लोगों से खेला. और हमेशा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लड़के आपको आसानी से कोर्ट पर नहीं आने देते. जैसे कि आप मैरिड हैं आपने बताया, और पेरेंट्स की तरफ से तो आपको बचपन में सपोर्ट थी, क्या आपके हस्बैंड आपको उसी तरह सपोर्ट करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और ये डिस्कशन हमारी शादी से पहले भी हुई थी, जिसमें मैंने उनको अपने बिलीव्स बता दी थी इस बारे में कि मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स में कोई
बुराई नहीं और ख़वातीन को ये करना भी चाहिए और उन्होंने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की फीमेल्स को जो एथलीट बनना चाहती हैं और उनको मुश्किलात फेस हैं सोसाइटी की तरफ से, तो किस तरह वो डील करें और किस तरह वो ऊपर आएं? मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो कोई ना कोई तरीका होगा करने का। जब मैं जिस स्कूल में गई थी वहाँ टीम नहीं थी और मैंने लड़के एक टीम बनाई, खुद जाके लड़कियों को पकड़ के लाई कोर्ट तक, खुद सिखाया उनको ताकि मेरे पास कोई खेलने वाला हो। जब मैंने स्कूल चेंज किया तो मुझे यही प्रॉब्लम फेस हुआ कि वहाँ लड़कियाँ खेलती नहीं थी, सिर्फ लड़के खेलते थे। और जब लड़के खेलते हैं तो आप उनके खेल तो लेते हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट की बारी आएगी तो आप बॉयज़ के टूर्नामेंट में तो नहीं खेल सकते। सो वंस अगेन मुझे लड़कियों को लाना पड़ा था अंदर। और जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो सेम इशू। मैं यहाँ तक के कैफेटेरिया में जाके लंबी लंबी लड़कियों से बात करती थी और कहती थी आपकी कद आपका कद बहुत अच्छा है, आप मेरे से बास्केटबॉल खेलेंगी, मैं आपको सिखाती हूँ, आएँ। और इस तरह पकड़ के सारी यूनिवर्सिटी से मैंने टीम बनाई। तो आई डिड इट माई सेल्फ, ऑफकोर्स आई हैड हेल्प, मेरी सिचुएशन बेहतर थी। तो मैं लड़कियों को भी कहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अगर एक चीज़ को एक पैशन के साथ लेंगे और उस पर डट जाएंगे तो वो चीज़ ज़रूर होगी और साथ साथ ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो स्टिक टू वॉट यू बिलीव इन एंड वॉट यू वॉन्ट टू डू और अपने आप को फिट रखें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोसाइटी को फेस करना सीखा जो मैंने है वो स्पोर्ट्स से ही सीखा है। मैं स्पोर्ट्स में जिस तरह भी आ गई, जिस उम्र से आ गई, आपके क्योंकि मेल डोमिनेटेड काफ़ी फील्ड है, कोचेस सारे मेल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रेफरीज, ऑर्गेनाइजर्स सारे मेल हैं, उस चीज़ को फेस करना, उसमें ज़िंदा रहना, ये आपको स्पोर्ट्स ने खुदी ब खुदी आपको सिखा देता है। तो मेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो स्पोर्ट्स की वजह से आया। और मैं लड़कियों को कहूँगी कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर करें, इससे आपको फिज़िकली, बेशक आपके घर के एक प्राइवेट एरिया में हो, लॉन में हो, अपने टेरेस पे हो, अपने कमरे में हो, आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं बहुत सी फिटनेस रेजिमेंट फॉलो करती हूँ जो मैं घर के अंदर कर सकती हूँ, बेशक वो योगा ही क्यों ना। आप जब फिज़िकली अपने आप को समझना पाएंगे ना तो आपके अंदर एक सेल्फ अश्योरेंस और कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपनी बॉडी से कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आप अपने आप को पब्लिक स्पेस में कॉन्फिडेंटली कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सना फॉर योर प्रीशियस टाइम।